बड़ी खबर सामने आई है, लखावली पुलिया के पास एक ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के बाद जो दस्ता वहां पे उनको रोकने के लिए गया था वो उन्हें घायल छोड़कर ही चला गया। जानकारी के अनुसार ये उड़न दस्ता जो था वो माइनिंग विभाग के अधिकारियों का था और ये अवैध बजरी से भरा ट्रक रुकवाने के लिए वहां पर गए थे। बताया ये जा रहा है कि माइनिंग विभाग के अधिकारियों की ये बोलेरो है जो जांच के नाम पर इस ट्रक को रुकवा रहे थे। बीच सड़क में इन्होंने बोलेरो लाकर लगा दी और जब ट्रक चालक को वहां पर जगह नहीं मिल पाई तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया। लेकिन देखिए कि किस तरह से ट्रक पलटने के बाद में कर्मचारी उन घायलों को संभालने की बजाय, उन घायलों को अस्पताल पहुंचाने की बजाय कैसे वापस अपने बोलेरो में फटाफट से सवार होकर वहां से निकल लिए। ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। किसी की जान से ज्यादा किसी को मरने के लिए वहां पर छोड़कर जो है माइनिंग विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां से किस तरह से खिसक लेते हैं ये आप देखिए। इससे कहीं ना कहीं एक ये भी बात निकल कर आ रही है कि क्या ऐसा तो नहीं कि माइनिंग विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी थे वो सिर्फ अवैध वसूली के लिहाज से वहां पर उनके सामने जाकर खड़े हो गए थे और जब उन्होंने देखा कि इस तरह का हादसा हो गया है और घायल हो गए हैं ट्रक चालक और वहां पे जो भी उस ट्रक में मौजूद थे, तो क्या उनको बचाना उनका फर्ज नहीं था? और अगर इस तरह से वो छोड़कर चले गए हैं तो इसका मतलब साफ ये निकल कर भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं अवैध वसूली से इसका कनेक्शन दिखाई देता है। नहीं तो माइनिंग विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी उस ट्रक को वहां पर, अवैध बजरी वाले ट्रक को जो वहां पर रोकने के लिए गए थे, उन घायलों को अस्पताल जरूर पहुंचाते। आपने ये देखा है कि जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए आए दिन कोई ना कोई योजना, कोई प्रोत्साहन राशि और इस तरह की जो है स्कीम निकालती है ताकि घायलों को उचित समय पे इलाज मिले। वहीं पर दूसरी तरफ हमको ये भी देखने में आ रहा है कि सरकार के खुद के विभागों के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो ही इस तरह घायलों को छोड़ करके उस जगह से निकल लेते हैं, तो इससे जनता में क्या एक अच्छा मैसेज जाता है? क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या इस तरह के अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस तरह से घायलों को वहीं पर छोड़कर निकल जाना क्या संकेत देता है और क्या ये सही था?